प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को और की स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी, जो कि आज जम के बैंड बजाएंगी ओवैसी की। जी हाँ, ओवैसी के सामने हैदराबाद सीट पे खड़ी होंगी माधवी लता जी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाजिया लाइक खान जी का बड़ा ही दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जाएंगे तो फिर तो और भी हार जाएंगे जी। कुछ ऐसी गुगली फेंकी है, इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रवायत है महिलाओं के बारे में, क्या बताओ। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। नाजिया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऐसा जुल्म तो नहीं ढालना चाहिए था मोदी जी को, ये गलत हो गया। और थोड़ा सा हम टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे मुल्क, मोदी और मुसलमान जी। अ वेरी वार्म वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। थैंक यू सो मच गायत्री जी, बहुत खूबसूरत टॉपिक के लिए, मुझे चूज करने के लिए। और शायद आज आप थोड़ी सी शॉक हुई कि मैंने जय माँ दुर्गा और जय माँ काली क्यों कहा, क्योंकि औरतों से, महिलाओं से, बेटियों से, महिलाओं से नफरत करने वाले, घिन करने वाले, उनको जूते और चप्पल के बराबर समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सामने माँ दुर्गा बनकर के खड़ी हुई है बहुत खूबसूरत माधवी जी। और जब इलेक्शन की कंपेनिंग स्टार्ट होगी तो माँ काली और चंडी का रूप वो लेंगी माधवी जी। बहुत फाइटर लेडी है, बहुत फायर ब्रांड लेडी है, बहुत वेल एडुकेटेड लेडी है, और जितनी भी तारीफ की जाए माधवी जी के लिए उतनी कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। एक ऐसी महिला जिसने अपने बच्चों को शिक्षा दिया है खुद से बैठा करके, एक ऐसी महिला जिसने चार मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ दिया, एक ऐसी महिला जो भारत नाट्यम जानती है, एक ऐसी महिला जो कई हॉस्पिटल्स के इंचार्ज रह चुकी है, एक ऐसी महिला जिसने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था, एक ऐसी महिला जो हलाला और हलाल सर्टिफिकेशन तक उन्होंने अपने वॉइस को रेज किया था, एक ऐसी महिला जो हैदराबाद में काफी रेनाउंड है अपने वोकल वॉइस की वजह से और फैक्ट के आधार पर बात करने की वजह से, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने अपने बातों को हमेशा कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्रेस भी किया है और सबके सामने रखा भी है, एक ऐसी महिला जो एडुकेशन पर और हेल्थ कल्चर पर आज से नहीं पिछले 14 साल से कंटिन्यूअसली काम करती चली आ रही है, और चैरिटेबल ट्रस्ट और लतमा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। बहुत खुशी होती है जब एक बहुत पावरफुल, एक बहुत वेल एडुकेटेड महिला सामने आकर के खड़ी होती है, और वो भी 48 डिग्री में बेवकूफ और कार्टून की तरह शेरवानी पहनने वाले ओवैसी के सामने आकर के खड़ी होती है। एक महिला जो शिक्षा के बारे में अपनी कंपेनिंग के ड्यूरेशन बात करेगी, एक महिला जो औरत को एम्पावरमेंट करने के बारे में अपनी कंपेनिंग में बात करेगी, एक महिला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये सीट जीतने के बाद संसद के अंदर जा करके दक्यानुसी और बेहुदा बातें ओवैसी की तरह ना करके महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बात करेगी और महिलाओं के हक और हकूक के बारे में बात करेगी। सबको पता है कि 1984 से असदुद्दीन ओवैसी के बाप से लेकर के ओवैसी तक ने 2023 तक इस सीट पर अपना सिक्का जमा करके रखा है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है गायत्री जी कि ये वही ओवैसी है जो कहता था 15 मिनट याद है ना, 15 मिनट याद है ना। तो भारत में 82.7% सनातनियों का गला काटने का एक ऐलान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जिस पर बहुत खुश होते थे, एक ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जिनके मंच पर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, एक असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा मुसलमान जिसके मंच के आसपास जाहिले आजम और ठरके आजम की भीड़ हुआ करती है, एक ऐसा असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा भारत के उस क्षेत्र को पाकिस्तान बनाने की कोशिश किया, एक ऐसा असदुद्दीन ओवैसी जो मात्र एक क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन हमेशा अपने भड़काऊ भाषण के जरिए भारत में अपनी टीआरपी बटोरता रह गया, एक ऐसा असदुद्दीन ओवैसी जो लंदन से डिग्री लेकर के आया बैरिस्टर का लेकिन 5 मुसलमान मर्दों को बैरिस्टर नहीं बना पाया, एक ऐसा असदुद्दीन ओवैसी
और उसके 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 वालिद साहब जो 1984 से लेकर के 2023 तक में कभी भी उनके मंच पर कोई महिला बैठी ही नहीं, कभी भी उनके जलसे जुलूस में कोई महिला थी ही नहीं, कभी भी उनकी पार्टी की मीटिंग या अलग अलग जगह जो जाकर के वो पार्टी मीटिंग्स अटेंड किया करते थे वहां पर जिहादन टाइप की वो काले टेंट वाली भी महिला को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो एक ऐसे असदुद्दीन अवेसी जिसको मैं अश्लील अवेसी कहती हूँ, उसके सामने एक भारतीय नारी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ और एक भारत को रिप्रेजेंट करने का जो उनका ऑरा है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनका पहनावा है, उनकी बातचीत है, वो सब चीख चीख कर कहती है कि ये भारत की पुत्री है और वो सामने खड़ी हुई है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि अवेसी जीत गया तो भी हार जाएगा और हार गया तो शायद वो 10-12 साल घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि औरत से हार अवेसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेसी की नजरों में औरत सिर्फ बिस्तर पर मर्द को ठंडा करने का सामान है। इसके अलावा अवेसी की नजरों में औरत का कोई महत्व, कोई वैल्यू, कोई हक, कोई अधिकार, कोई राइट है ही नहीं। अब बहुत सारे सवाल उठेंगे गायत्री जी के, आखिर हिंदू हमारे माधवी जी को जरूर वोट करेंगे लेकिन मुसलमान क्यों वोट करेंगे? बहुत सारे ये सवाल मेरे कान में 5 दिन में दिल्ली में गुजरे हैं कि नाजिया जी मुसलमान क्यों वोट करेंगे। एक औरत जो कट्टर हिंदू है, जो चारमीनार जैसे रोड पर बैठ करके भीड़ में हनुमान चालीसा पढ़ रही है और एक सेकंड के लिए भी डर नहीं रही है, वही औरत आवाज ऊंची कर करके 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाती है और कहती है कि मुसलमान लड़कियों को उसका हक मिलना चाहिए और इस रजालत और जलालत से मुसलमान लड़कियों को बाहर आना चाहिए। अब मैं आपको बोलना चाहती हूं कि आखिर मुसलमान इनको वोट क्यों करें? मुसलमान इनको वोट करेंगे क्योंकि चारमीनार के पास जो निकाह मसियार के नाम पर बेटियां बेची और खरीदी जाती हैं, इनके आने के बाद वो बंद हो जाएगा। हैदराबाद के अवेसी के क्षेत्र में जो 3 तलाक धड़ल्ले से होता है, इनके आने के बाद ये बंद हो जाएगा। हैदराबाद के क्षेत्र में अवेसी को हरा करके जब हमारी माधवी जी आएंगी तो हलाला, निकाह मसियार, निकाह मुत्ता, जवाजुल मुत्ता, ये जितनी भी अश्लीलता की और वराइटीज ऑफ निकाह, अश्लीलता का जो नंगा बाजार चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मदरसे के अंदर और मदरसे के नाम पर जो चंदा, मॉडर्न जजिया, फितरा, जकात, भीख जो बटोर बटोर करके सारे दाढ़ी टोपी वाले जो अपने अपने घर को लैविश कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको सेक्सुअली हैरेस करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, अनल सेक्स करते हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मुसलमान बेटियां सर ऊंचा कर करके और अपने पूरे अधिकार के साथ, लीगल राइट के साथ वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगी, ना कि सर पे हिजाब और नकाब लगा करके मौलवी मुल्लाओं के अश्लीलता का शिकार बनेंगी। हम सबको पता है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और पसमांदा मुसलमानों के हक में और खास करके पसमांदा मुसलमान की बेटियों के हक में जो 15 पॉइंट उन्होंने कहे हैं हालिया में एक हफ्ते की स्पीच में, वो 15 पॉइंट्स मुसलमान बेटियों के रोंगटे खड़ा कर चुका है। और क्योंकि उन्होंने मुसलमान बेटियों को सच्चाई से रूबरू करा दिया है, सच्चाई से सामना करा दिया है। सब कहेंगे कि भाई मुसलमान क्यों वोट करेगा मोदी जी को और मुसलमान क्यों वोट करेगा माधवी जी को, मुसलमान बेटियां वोट करेंगी। ऐतिहासिक फैसला होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में और माधवी जी इस चुटकी दाढ़ी वाले को और इस उटंगे पैजामे वाले को और इस टाइट शेरवानी वाले को और इस जालीदार टोपी वाले को और ये अल्लाह के स्लीपर सेल असदुद्दीन अवेसी को हरा करके 10 साल के लिए घर में ना बैठाई तो मैं मेरा नाम बदलने को तैयार हूँ, क्योंकि इस बार अवेसी का सामना किसी मर्द से नहीं है, माँ दुर्गा और माँ काली के रूप से है। क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2006 से लेकर के 2023 तक मुसलमानों के लिए चेंज हो गई है क्या? नहीं, आज भी हम मुसलमान कम्युनिटी आज भी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे हैं हम। और ये 2023 का रिपोर्ट है जो मैं हाथ में लेकर के बैठी हूँ, 2023 का, हम आज भी दलित से पीछे हैं। अब आती है बात कि सबसे ज्यादा अत्याचारित कौन हुआ है 1947 से लेकर के 2023 तक में, सबसे ज्यादा अत्याचारित कौन हुआ है? शेड्यूल ट्राइब्स और मुसलमान। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रहा है और आप चाहेंगे तो मैं ये आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी।
आज जितने भी शादी शगुन योजना आया या तीन तलाक बैन हुआ या पॉलीगेमी हलाला के बारे में सोचा जा रहा है या यूसीसी के बारे में सोचा जा रहा है या इतने सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं या 15-15 जो योजनाएं जो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए आया है, ये क्यों आया है? ये उनको उनको उनके उनका हक मिल रहा है, ये उनको उनसे रूबरू कराया जा रहा है कि मुसलमानों तुम्हारा काम सिर्फ जो है ना भीख मांगना नहीं है, तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी कुछ बन सकते हो और तुम भी नजरों में नजरें मिला करके अवेसी को बोल सकते हो कि तुम्हारे जैसा झुट्टा लुच्चा आवारा लफंगा अश्लील मुसलमान टोपी वाला हमको मोहम्मद का स्लीपर सेल नहीं चाहिए। अवेसी कभी नेता नहीं था, अवेसी कभी नेता नहीं था। सबसे पहले मैं ये इस बात की पुष्टिकरण कर दूं कि वो नेता कभी नहीं था। नेता जो भी होता है ना, लीडर जो लीड करने वाला होता है, जो किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, वो पार्लियामेंट में जाकर के एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो अपने क्षेत्र के फायदे के लिए बात करता है, अपने क्षेत्र में रह रहे रेशियो जो पॉपुलेशन है उसके फायदे के लिए बात करता है। पर असदुद्दीन अवैसी ने आज तक कभी भी अपने क्षेत्र के मुसलमान बच्चों के फायदे के लिए कभी भी बात नहीं की, एडुकेशन के लिए कभी भी बात नहीं की, मुसलमान बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कभी भी बात नहीं की। वो क्या कहता है, अरे भाई हमको तो एक में हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट है, हम जब चाहेंगे करेंगे, जब चाहेंगे छोड़ेंगे। अरे भाई हमको तो मेरे बिस्तर पर चार चार बीवियां चाहिए। अरे भाई सफर की निकाह करने दो। अरे भाई हलाला के नाम पर बेटियों का नंगा बाजार बनने दो। वो तो यही कहता है पार्लियामेंट के अंदर। और जैसे जैसे 15 पॉइंट मुसलमानों ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से सुने, अरे मुसलमान शिक्षित भी हो सकते हैं, अरे मुसलमान अपने अपने पैर पर खड़े भी हो सकते हैं, अरे मुसलमान बेटियां अपने हक के लिए आवाज ऊंची कर सकती हैं, अरे मुसलमान बेटियां बच सकती हैं कि उनको हलाला के नाम पर नंगा नाचने नचाया जाएगा, अरे मुसलमान बेटियां अब प्रोस्टिट्यूट से कन्वर्ट होकर के डिग्निफाइड एडुकेटेड महिलाएं बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें माधवी जी के नॉमिनेशन से ही और अभी से ही जब से उनका नाम आया है मुसलमान बेटियों के दिमाग में ये घूमना स्टार्ट हो गया है कि ये महिला अगर आ गई हैदराबाद क्षेत्र के अवेसी के क्षेत्र पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके, तो ये महिला मुसलमान बेटियों को के हक में इतना खूबसूरत काम करेगी, इतना खूबसूरत काम करेगी। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में थी, धामपुर मैंने विजिट किया, लखनऊ मैंने विजिट किया, मुसलमान कम से कम 20,000 बेटियां, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप चेक कीजिए, 20,000 बेटियां नकाब में मेरे से आकर के मिली हैं और मेरे गले लग गई हैं, मुझे चूम रही हैं और कह रही हैं आप जो कर रही हैं बस आप करती चलिए, अगर गोली भी खानी होगी ना नाजिया जी तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप पीछे मत हटना, इस गंदगी से आप हम लोग को बचा रही हैं, इस गंदगी से आप हम लोगों को सेव कर रही हैं। उसके बाद फिर इतने सारे रेफरेंसेस उस मुस्लिम बच्चियों ने दिए हैं मुझे। एक बच्ची थी जिसने कहा कि वो MA की हुई है, PhD कर रही है, लेकिन 11 साल की उम्र में उसका निकाह हुआ था और फिर 19 साल में दोबारा हुआ क्योंकि उस हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था और अभी 3 बच्चे हैं उसके पास, फिर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी अश्लीलता से अगर कोई बाहर निकाल सकता है हैदराबाद की बच्चियों को, उस अवेसी के क्षेत्र की बच्चियों को, तो वो बस एक ही नाम आ रिमेंबर एक चीज और रिमेंबर नाजिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ शांति दूतों को बल्कि ओवेसी को जम के धोया, ओवेसी को तो नाजिया जी ने उधेड़ के रख दिया। और हमारी पूरी शुभकामनाएं और विशेष हैं माधवी लता जी के साथ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।